अस्सलाम वालेकुम बेटा, प्रोफेसर साजिद आपके सामने हाजिर हैं। तो आज हम आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ाएंगे। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में कौन कौन से लॉज हैं, डिफरेंट लॉज हैं। उनमें पहला लॉ है लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर। पहला क्या है? लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर। जब आपको मैं यहाँ लिखवाने जा रहा हूँ तो आप एक दफ़ा बुक को गौर से देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ मैं लिखने जा रहा हूँ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में पहला लॉ है लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर। अगर आपके पास बेस जो है सेम है और पावर जो है वो चेंज है और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इनकी बेस को सेम कर लिखते हुए पावर को ऐड कर देंगे। यानी कि इसकी एग्जांपल एक ले लेते हैं हम। अगर हम कहें कि 2^3 4 × 2^3, तो ये क्या हो जाएगा? 2^4 + 3 2^7। इसको मल्टीप्लाई करके आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर 2^ यहाँ पर 9 लिखा हुआ है, यहाँ × 2^-10 लिखा हुआ है, तो ऐड वही करेंगे 9 − 10 2^-1। तो इसको कभी इस फॉर्म में नहीं लिखते, 1/1 में चला जाता है। तो ये इसका आंसर होगा। तो ये लॉ पावर ऑफ प्रोडक्ट आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। इसी तरह रूट में भी होता है, रूट में भी ऐसे ही जाता है। अगर आपके पास a^m हो, फिर a^n हो, फिर a^l हो, 3 भी हो सकते हैं, तो भी ये सब ऐड हो जाएंगे m + n + l। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट। बेस सेम हो तो पावर सब ऐड हो जाती है। इसी तरह अगर आपके पास एक सेकंड है, वो मैं लेता हूँ लॉ ऑफ पावर ऑफ ए प्रोडक्ट। लॉ ऑफ पावर ऑफ ए प्रोडक्ट, यानी कि ये प्रोडक्ट ऑफ पावर थी या पावर ऑफ प्रोडक्ट। यानी कि अगर आपके पास एक वेरिएबल ए है, दूसरा बी है, इसकी पावर एम है, तो ये दोनों के ऊपर पावर आ जाएगी। ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट कहलाता है, इनकी पावर सेम आ जाएगी। एग्जांपल आप इसकी ऐसे ले सकते हैं कि अगर आपके पास 2x^3 लिखा हुआ है, तो 2 × 3 आएगा और x के ऊपर भी 3 आएगा, तो 8x^3 इस तरह आता है। इसी तरह अगर आपके पास −2x^3 है, तो क्या है? −2^5 हो जाएगी और x के ऊपर भी 5। और −2 आपको पता है नेगेटिव रिजल्ट ज़रूर आएगा। −2 −2 −2 −2 −2 और ये x^5, तो क्या बन जाएगा? −−++−−, फिर माइनस, तो ये माइनस आएगा। 2^4 / 4^8 / 8^16 / 16 / 2^32। तो इस तरह ये आपके पास पावर प्रोडक्ट कहलाता है। तो ये जो मैंने अभी आपको सिखाया है वो इस तरह फॉर्म में है। अगर आपके पास इस तरह का होगा, ये देखें, ये दोनों चीज़ें मैंने आपको अभी सिखाई हैं। एक मैंने आपको लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर सिखाया है और एक लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट। इसका फार्मूला ये है और इसका फार्मूला ये दिया हुआ है कि अगर ए और बी की पावर एन है, तो a^n आएगा, b^n आएगा। ये मैंने जो फार्मूले लिख के दिए हैं वो भी आपके इसी तरह आएंगे। अगर आपका 3 नंबर होंगे तो भी पावर में उसी तरह ही आएगा। इसी तरह अगर आपको मैं लॉ ऑफ द पावर ऑफ पावर, यानी कि पावर की पावर अगर आपने करनी है, तो वो कैसे होगी? अगर आपके पास 3 है लॉ ऑफ पावर, तो ये लॉ क्या है? पावर ऑफ पावर क्या चीज़ है? कि अगर आपके पास a है, इसकी पावर m है, होल पावर n है, तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है।
समझ में आई है आपको, ये पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। अगर आपके पास ए पावर एन है, एम है, फिर पावर एन है, फिर पावर एल है, तो ये भी सारे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एम मल्टीप्लाई बाई एन मल्टीप्लाई बाई एल, या ए पावर एम एन एल, ये मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर आपके पास 10 है, 10 पावर 2 है और पावर 3 है, तो 10 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 10 पावर 6, 1 के आगे 0, 6, इस तरह लिख देते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, लॉ ऑफ पावर ऑफ पावर, पावर ऑफ पावर। लेकिन ये ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी है, इसमें बाद में जाके बताऊंगा, अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो आपके लिए कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए आज का लेक्चर मेरे ख्याल में इतना ही बहुत है आपको, जिसमें मैंने आपको तीनों लॉज बताए हैं, एक लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर और पावर ऑफ प्रोडक्ट, दोनों लहदा लहदा हैं, और लॉ ऑफ पावर ऑफ पावर, ये बड़े इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने आपको समझाई। उम्मीद है कि आज का लेक्चर बहुत आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। प्रोफेसर साजिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।